रैंक वन का मतलब ये था कि मेरे एफर्ट्स इतने होने चाहिए कि मेरा रैंक वन आ जाए. सो एज दे से यू नो दैट यू एम फॉर द मून, एटलीस्ट यू लैंड इन द स्टार्स इफ नॉट द मून. माइंड दैट व्हेन आई लीव दिस प्रेपरेशन आई शुड हैव नो रिग्रेट्स. ठीक है, तो व्हाट आई से इज अ नो रिग्रेट पॉलिसी, कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपका क्लियर हो या नहीं हो. सो फॉर मी नो रिग्रेट कैसे होगा इज व्हेन आई विल बी एबल टू अचीव अ गुड रैंक और मे बी एटलीस्ट माई एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन. आई सेड रैंक वन का मतलब ये कभी नहीं था कि मेरा रैंक वन आएगा. रैंक वन का मतलब ये था कि मेरे एफर्ट्स इतने होने चाहिए कि मेरा रैंक वन आ जाए. सो एज दे से यू नो दैट यू एम फॉर द मून, एटलीस्ट यू लैंड इन द स्टार्स इफ नॉट द मून. तो वो एम यही था कि इतना मुझे हार्डवर्क करना है नाउ दैट आई हैव डिसाइडेड. बिकॉज ये मैंने पहले भी बोला दैट यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर फाइंडिंग मिस्टेक्स, क्रिबिंग अबाउट कि यार यूपीएससी ये अच्छा नहीं पूछता है, ये चीज़ सही नहीं है, 10 दिन बाद आंसर की आती है, 20 दिन बाद ऐसा होता है एंड ऑल ऑफ दैट. या देखो दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, यू कैन नॉट इवन चेंज इट. आप कितना भी कोशिश करो, मैं अभी जाके बोल दूँ, कोई और बोले, होगा प्रॉबेबली चेंज 10, 20 दिन, 20 साल, हमें नहीं पता कब होगा. तो स्टॉप क्रिबिंग अबाउट अननेसेसरी थिंग्स, अपने एफर्ट पे फोकस करो कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आप ये प्रेपरेशन छोड़ के जाओ आपको रिग्रेट हो. स्पेशली नॉट टुडे बट 10 साल बाद आपको जब ये रियलाइज हो कि आप थोड़ा और कर लिया होता तो शायद आज इसकी जगह मैं होता, वो कभी नहीं फील होना चाहिए. स्पेशली व्हेन यू आर लीविंग द प्रेपरेशन. सी ऑल ऑफ यू आर इन द एज ऑफ 20 to 30. आई ऑल्सो फॉल इन द सेम ब्रैकेट. दीज अपेरेंटली आर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ आर लाइफ. ठीक है, घूमने का भी मन करता है, अच्छा खाने पीने हर चीज़ का मन करता है. यू विल सी योर एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स सीनियर, थोड़े जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है दिल लगे यार ये नहीं करना, छोड़ क्या घूमना है, बैठ जाते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना. आज आपका मन करेगा मैं पूरा इंडिया टूर कर लूँ, वर्ल्ड टूर कर लूँ, सब जगह एक्सप्लोर कर लूँ. तो अगर इतने प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ अगर आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेट कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार 3 साल स्पेंड करा, 4 साल स्पेंड करा और कुछ करा ही नहीं. सी ओ आर एन, बिकॉज यू गाइज आर लिविंग हियर, इट इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे मस्ती करनी चाहिए. इतनी अच्छी जगह है भी नहीं, कोई इतना एडवेंचरस नहीं है. अच्छा नहीं लगता यूपीएससी प्रिपरेशन तो प्लीज़ गो होम, डू समथिंग एल्स. बट यहाँ पे रह रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज कि मुझे किसी चीज़ को प्रमोट करना है. आई जस्ट वॉन्ट कि एज अ सिंसियर यू नो एज अ एल्डर आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग. इट मेक्स मी फील रियली सैड व्हेन आई सी पीपल वेस्टिंग टाइम यहाँ पे. मतलब इतना आप पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रहे हो, खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग. बिकॉज आप इससे इस जगह पे अगर कुछ अच्छा कर लोगे, यू गो टू सम अदर प्लेस एंड यू नो ऑल ऑफ यू आर वेल क्वालिफाइड, ऑल ऑफ यू हैव लेफ्ट वेल पेइंग जॉब्स, काफ़ी सारे बहुत अच्छा अच्छा कोर्स करके आए होंगे फ्रॉम गुड कॉलेजेस, गुड यूनिवर्सिटीज. बहुत खराब लगता है जब आपके फ्रेंड्स इधर उधर के लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं. यू ऑल्सो थिंक यार हर मंथ का सैलरी आ रहा है, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, वी शुड ऑल्सो डू समथिंग गुड. तो अब अगर यहाँ पे आ चुके हो, डिसाइड कर लिया है बिकॉज नाउ यू हैव ज्वाइंड अ फाउंडेशन प्रोग्राम, 1-1.5 साल ORN में रहना है, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़. इधर उधर की फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ और पढ़ाई करो. ठीक है, मस्ती करनी है, देर इज़ इनफ टाइम आफ्टर द प्रेपरेशन, देर इज़ इनफ टाइम दैट यू कैन डू एट अदर प्लेसेज. ORN डेफिनेटली इज़ नॉट अ प्लेस, ट्रस्ट मी. मतलब दिल्ली हैज वे बेटर प्लेसेस टू डू गुड थिंग्स, बट यहाँ पे रह के टाइम वेस्ट करना वुड बी द वर्स्ट थिंग दैट यू आर डूइंग एवर इन योर लाइफ. एंड आज शायद नहीं रियलाइज हो रहा होगा, आज से 10 साल बाद लगेगा कि यार कैसी जगह पे रह के हम क्या ही टाइम वेस्ट कर रहे थे. मतलब वहां तो कुछ था भी नहीं टाइम वेस्ट करने को, हम कर क्या रहे थे. तो ORN के रूम में बैठ के नेटफ्लिक्स देखना, अमेजोन प्राइम देखना, वहां पे चिट चैट करना, इट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन इमेजिन. मतलब कोई अच्छी जगह जाओ अगर ये करना है तो. ठीक है, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम हियर. एंड आई थिंक दैट वॉज माई अल्टीमेट थिंग, कि अगर आप प्रेपरेशन का मन बना लिया, बिकॉज दैट इज वॉट आई थॉट कि PG तो हो नहीं रहा है, तो नाउ आई हैव टू डू एज गुड एज पॉसिबल दैट आई विल डू इन दिस अटेम्प्ट एंड आई विल नॉट वेस्ट इवन अ मिनट्स.